हेलो फ्रेंड्स, सो गुड न्यूज़ इज़ दैट आर पपी इज़ फुली वैक्सीनेटेड नाउ और हमारे वेट ने कहा है कि उसको हम वॉक के लिए लेके जा सकते हैं। तो सबसे पहले हमने कुछ न्यूज़पेपर ले लिए ताकि हम इसका डॉग पूप इजीली डिस्पोज कर सकें। और मैक्स रेडी है अपनी वॉक के लिए। मैक्स ने अपनी डॉग हार्नेस और लीश लगा ली है। आई थिंक जितना एक्साइटेड हमें उससे ज़्यादा एक्साइटेड मैक्स है। लेट्स गो फॉर अ वॉक। तो मैक्स का ये फर्स्ट टाइम है तो मैक्स को ये लीश का कॉन्सेप्ट समझ ही नहीं आ रहा है। वो लीश पे अटैक करे जा रहा है और लीश को खाने की कोशिश कर रहा है। ये देखो, मैक्स लिफ्ट के अंदर आने से भी डर रहा है। इसको हमने इतनी बार बुलाया लेकिन नहीं, तो अब इसको गोदी में उठा के लेके चलना पड़ेगा। मैक्स बहुत ही क्लोजली ऑब्जर्व कर रहा है कि ये बॉक्स टाइप लिफ्ट क्या चीज़ है। और हम आ चुके हैं पार्क एरिया में और हमारे अपार्टमेंट के अंदर बहुत ही सुंदर पार्क है और यहाँ पे सब लोग वॉक करते हैं, डॉग्स को भी वॉक कराते हैं। तो आप देख सकते हैं कितनी ग्रीनरी है और कितना सुंदर ये ट्रैक बना हुआ है। दिस इज़ एन अमेजिंग प्लेस फॉर हैविंग फ्रेश एयर इन द मॉर्निंग। अभी हम इसको ऑब्जर्व भी कर रहे हैं कि ये कैसे एक्सप्लोर करता है ट्रैक और पार्क। इसके एक्सप्रेशन से तो यही लग रहा है, ही इज़ सो हैप्पी, ही इज़ वॉकिंग वेरी वेल। अभी जस्ट हम हाफ वे पर हैं और मैक्स टायर्ड लग रहा है तो थोड़ी देर के लिए बैठ गया है। तो लेट्स सी जितने टाइम के लिए उसको रेस्ट करना है उसको रेस्ट कराते हैं। अच्छा, ये इसकी टंग टायर्ड होने के बाद बाहर आ गई है और वाइब्रेट कर रही है। तो मेरा भी ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है इस तरह से ऑब्जर्व करने का इसको। ये थोड़ा सा स्लोप एरिया है तो मैक्स की स्पीड ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो गई है। यहाँ पे एक मोमेंट पे हमें लगा कि मैक्स को थोड़ा ग्रास का एक्सपीरियंस कराते हैं, तो हम लोग ये छोटा सा ग्रास का पैच है यहाँ पे, वहाँ पर लेके आए हैं और लेट्स सी मैक्स क्या एक्सप्लोर करता है यहाँ पे। अच्छा, मैक्स को कोई भी प्लांट, कोई भी ट्री, कोई भी लीफ, छोटी से छोटी चीज़ वो ऑब्जर्व कर रहा है, स्निफ कर रहा है और देख रहा है ये है क्या एग्जैक्टली। मैक्स ने फर्स्ट टाइम स्पीड ब्रेकर देखा है और वो स्टॉप हो गया है। तो उसको लगा कोई स्पेशल हर्डल है, उसको आगे शायद नहीं जाना है या हम उसको लेके जाएंगे। तो ऑब्जर्व कर रहा है कि क्या करेगा वो। सो अभी हमारा ऑलमोस्ट 2/3 राउंड हो चुका है और अगेन इट लुक्स टायर्ड, सो थोड़ा रेस्ट कर रहा है, हम लोग भी वेट करते हैं। मैक्स ने कार देखी है आज फर्स्ट टाइम और ऑब्जर्व कर रहा है ये किस तरह का ऑब्जेक्ट है और कितनी फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट है। बहुत ही स्पीड से निकली कार और मैक्स पीछे जाने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, फर्स्ट टाइम मैक्स जो भी बाइक, कार, ऑटो, जो भी मूविंग ऑब्जेक्ट, फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट देख रहा है तो ऑब्जर्व कर रहा है और ट्राई कर रहा है उसके पीछे भागने की, कि वेदर ही कैन कैच हिम और नॉट। अच्छा, हम लोगों ने वाटर बॉटल रेडी कर ली थी बट लास्ट मोमेंट पे एक्साइटमेंट में उसको लाना भूल गए। आई थिंक इट वॉज नीडेड अ लॉट। हम लोग लिफ्ट लॉबी के पास आ गए। आने के लिए रेडी नहीं है, उसको शायद पता लग चुका है कि ये घर वापस जा रहे हैं। इसी रास्ते से हम लोग आए थे तो उसको लग रहा है अब वापस लेके जाएंगे, तो देखो नहीं आ रहा है। मैक्स को ज़बरदस्ती अंदर लेके आना पड़ रहा है। आई थिंक घूमना सबको पसंद है तो इसके साथ भी यही केस है। बट हमें चलना होगा क्योंकि अभी काफ़ी टाइम हो गया, हमें ऑलमोस्ट 40 मिनट्स स्पेंड कर लिए हमने।
अभी थोड़ा लिफ्ट का वेट करना पड़ेगा। मैक्स इज पेशेंटली वेटिंग। अच्छा, मैक्स का पॉटी ब्रेक हो चुका है और उसकी फुटेज मैंने बीच में नहीं लगाई है, तो मेक श्योर कि आप न्यूज़पेपर में कलेक्ट करें और उसको प्रॉपरली डिस्पोज करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।